रियान इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर केस में ठीक दो महीने बाद नया मोड़ आ गया। इस मामले में सीबीआई ने बुधवार को बताया कि स्कूल के 11वीं के स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई के मुताबिक आरोपी स्टूडेंट ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग और एग्जाम टालने के लिए ये मर्डर किया था। जांच एजेंसी ने इस छात्र को जुवेनाइल कोर्ट में पेश करके 6 दिन की कस्टडी मांगी है। मोदी सरकार की नोटबंदी को बुधवार को 1 साल हो गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी एक ट्रेजेडी है। प्रधानमंत्री के बिना सोचे समझे लिए फैसले से लाखों ईमानदार लोगों के जीवन जीने का तरीका तबाह हो गया। मोदी सरकार के इस बदलाव से देश की इकोनॉमी की ताकत खत्म हो गई। 4 महीने में 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी अभी भी सीवियर कैटेगरी में है, लिहाजा सरकार ने स्कूलों में रविवार तक छुट्टी करने के आदेश दिए हैं। पहले सिर्फ बुधवार को छुट्टी की गई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहली बार एक साथ कहा कि दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग से सांस लेना दूभर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण 6 गुना बढ़ गया है। इस बीच नासा ऑब्जर्वेटरी ने कुछ तस्वीरें जारी की है जिसमें दिल्ली समेत उत्तर भारत और पाकिस्तान में स्मॉग का कहर साफ दिखाई दे रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर सरकार पर हमला किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा, अर्थव्यवस्था की बदहाली, कारोबार उद्योग की बर्बादी और देशव्यापी बेरोजगारी में नोटबंदी का जश्न दुखद है। ये नोटबंदी का एक बरस नहीं बरसी है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट वायलेशन केस में दिल्ली की अदालत ने विजय माल्या को घोषित अपराधी करार देने की प्रोसेस शुरू कर दी है। माल्या को 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया है। अगर माल्या इस तारीख को पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट उन्हें अपराधी घोषित कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को गरीबों के लिए शेल्टर के मामले में जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि पिछले 3 सालों में आपने शेल्टर को लेकर कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि नाइट शेल्टरों को लेकर योजना खत्म क्यों नहीं कर देते, सरकार अपना पैसा नाले में क्यों बहा रही है। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने एशियन वुमन बॉक्सिंग के फाइनल में जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल हासिल किया। वो 5 साल बाद इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी। मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से मशहूर मैरी कॉम ने फाइनल में कोरिया के किम होंग मी को मात दी। लगातार दूसरे दिन घरेलू स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए। पीएसयू बैंक, रियलिटी, मेटल, ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 33,219 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 47 अंक फिसलकर 10,303 अंक पर बंद हुए। शादी में जरूर आना का नया सॉन्ग रिलीज हो गया है। फिल्म के बोल हैं तू बन जा गली बनारस की, जिसे गाया है असित त्रिपाठी ने और म्यूजिक राशिद खान ने दिया है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की। तुझे फिल्म दिखाऊं नाइट शो, फिल्मों की तरह एक दिन यूं हो। बन जाऊं मैं तेरा हीरो, तेरा दिल बहलाऊं डांस करूं। मैं यूं ही तुझे रोमांस करूं, तेरे दिल में रहूं खुशियों की तरह। तू हंसे तो मैं झलकूं तुझ में।